दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक जो पैसे सेव करते हैं, दूसरा जिन्हें लगता है कि वो पैसे सेव ही नहीं कर सकते हैं, और तीसरे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि पैसे सेव करने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे पता है कि आप लोग तीसरे कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसों का मनोविज्ञान क्या होता है, साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में जानेंगे कि आखिर इन पैसों के बारे में हम क्या क्या सोचते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत ही उपयोगी चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं, ये एक-एक करके ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम एक कंक्लूजन के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सच्चा धन जो आप नहीं देखते। दोस्तों, इस वीडियो में मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से सारा पॉइंट ली हूं, और मैं उसी की एक बुक समरी आप लोगों के सामने दे रही हूं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो हम इसका अंदाजा कैसे लगाते हैं। जब हम एक बड़ी सी गाड़ी देखते हैं, उस इंसान का एक बड़ा घर देखते हैं, और उसके घर में ढेर सारे नौकर चाकर अगर रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये बहुत अमीर है। लेकिन उस अमीरी के पीछे का स्ट्रेस हमें नहीं दिखता है। हमें ये नहीं दिखता है कि उस कार को उसमें कितना ईएमआई जा रहा है, या उनके घर में इसी सब चीजों को लेके कितनी फाइट्स हो रही है। हम एक्चुअली ऐसा होता है दोस्तों कि हम अमीर और गरीब जो होता है उसको स्टेटस को देख के अनुमान लगाते हैं। अगर हमारे बगल से कोई एक बड़ी सी कार गुजर जाती है, तो हम उसे देख के कहते हैं वाह क्या कार है, ऐसा नहीं कहते हैं कि वह क्या इंसान है। तो ऑथर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी को देख के, किसी की चीजों को देख के हम ये पता करते हैं कि वो इंसान रियल में अमीर है, तो ऐसा नहीं है। रियल में जो वेल्दी होता है, उसको ये होता है कि आप अपने टाइम को कैसे यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप बहुत अमीर हैं, और आप अपने अमीरी को इंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, और आप सुबह से शाम तक अपना टाइम जो है ऑफिस में बिताते हैं, या आप अपने परिवार को टाइम नहीं देते हैं, तो ऐसे अमीर होने का क्या फायदा। तो ऑथर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप अपने टाइम खरीदने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप उन पैसों से अपना टाइम खरीद लें, और आप अपने घर में अपने परिवार के साथ उस टाइम को एंजॉय करें। यहां पे कहने का मतलब यही है कि ऑथर बता रहे हैं कि सच्चा अमीर रियल में कौन होता है। अब बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल नहीं लॉजिकल सोचिए। यहां पे दोस्त ऑथर ये कह रहे हैं कि अमेरिका के जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, वो सालाना $400 अपने लॉटरी के टिकट खरीदने में खर्च कर देते हैं। $400 का मतलब 30,000 रुपए होंगे, अगर हम इंडियन करेंसी से देखें तो। तो वो ऐसा सोचते हैं, अगर उनसे पूछा जाए, और वो ये बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें अमीरी को पाना है, उन्हें अमीर बनना है, तो कुछ मिरेकल होगा और उनकी लॉटरी लग जाएगी, तभी वो अमीर बन सकते हैं। अब अगर ये बात हम इंडिया के किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग से बात करें, तो वो इसे क्या कहेंगे? गलत कहेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि वो लॉजिकल सोचते ही नहीं है, वो साइकोलॉजिकल होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई मिरेकल होगा।
ये चीज जो है वो उन्हें मेहनत करने के लिए अग्रसित नहीं करता है दोस्तों। और जब साल कुछ गुजर जाते हैं तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि काश हम उस समय ऐसा कर लिए होते। तो अगर हम मिडिल क्लास फैमिली इंडिया में बात करें तो अगर हमारी मिडिल क्लास फैमिली ऐसा सोचेगी तो उनका काम नहीं चल पाएगा और उन्हें लगातार प्रयासरत रहना चाहिए कि हमें कैसे अमीरी को पाना है और हम अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है दोस्तों। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री मिलता है तो नथिंग इज फ्री, कुछ भी फ्री नहीं है। आप अगर किसी भी चीज को चाहते हैं खरीदना या फिर आप चाहते हैं कि हमें इस चीज से कुछ अच्छा रिटर्न मिले तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चुकाना ही पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपको कोई 12 लाख की कार लेनी है तो आपके पास तीन ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, या तो आप 12 लाख रुपए दे दें और उस कार को ले लें। दूसरा, आप उसकी जगह कोई सस्ती कार को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, आप उस कार को चुरा सकते हैं। मुझे पता है ये जो तीसरा ऑप्शन है इसे हम ज्यादातर लोग पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें भविष्य में नुकसान दिखेगा और हम जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हमें भविष्य में फ्यूचर में कुछ ना कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। अब बात यहाँ पे ये आती है, उसी तरह हम अपने पैसों को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है होता है, अगर हम चाहते हैं कि अपने पैसों को ग्रो करें तो हम या तो उसे म्यूचुअल फंड या इक्विटी में आप दे सकते हैं और अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि उसके साथ हमें कुछ डाउट, अनसर्टेनिटी, ये सब लेना पड़ेगा। हमें अच्छा रिटर्न लेना है तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या करना है और हम कैसे इसमें अपना टाइम देंगे तब जाके हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये तो एक बात हुई अगर हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर यहीं पे देखें जिसमें हमें ये है कि हमारा सेफ्टी पूरा है तो हम उस पैसे को, अपने पैसे को या तो एफडी में या फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में लगाते हैं या फिर हम उससे कुछ गोल्ड ले लेते हैं। इससे ये होता है कि हमारा पैसा तो सेफ रहता है लेकिन ये भी पक्का है कि हमें उतना ज्यादा रिटर्न, मतलब ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ तो कर्ज चुकाना ही पड़ेगा और कुछ भी इस दुनिया में फ्री नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए जो भी लोग होंगे वो दूसरा जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन तीसरे ऑप्शन पे अपना हाथ नहीं देंगे। अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। दोस्तों अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन अमीर नहीं बनने का एकमात्र एक ही तरीका है, वो है कि हम अपने पैसों का सही मैनेजमेंट नहीं करें। अगर हम अपने पैसों का सही मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं और हमेशा गरीब रहेंगे। लेकिन ये चीज कोई पसंद नहीं करता है तो इसके लिए आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। हमें ये जानना होगा कि आखिर हमें पैसे कैसे मैनेज करने हैं, हमें पैसे को कैसे ग्रो करना है, हमें अपने पैसों को कहाँ लगाना है। तो कहने का मतलब ये है कि पैसों की पूरी समझ अगर हमारे पास है तो हम अमीर बन सकते हैं। अगर हम अपना माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं कि हम अमीर बन सकते हैं और उसी माइंडसेट के थ्रू अपना काम करना भी शुरू कर देते हैं तो हम अमीर बन भी सकते हैं और हम अमीर बने रह भी सकते हैं। ऐसा होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि अगर कोई आपके पास 1 लाख रुपए मांगने के लिए आता है तो हम लोग अक्सर ऐसा कह देते हैं कि नहीं, हम पैसे नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें ऐसा सिखा दें कि ये 1 लाख आप कैसे और कहां कहां से कमा सकते हैं तो अगर उनका 1 लाख आगे जाके अगर खत्म ही हो जाता है तो वो फिर से अपने पैसे को बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमीर बने रहने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में जाना कि आखिर पैसे को लेकर हमारी सोच क्या है और हमें लेकर
पैसों की सोच क्या है। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि जिस जिस पॉइंट के बारे में हमने बात किया उसमें हमारा कहने का सारांश क्या है। कहने का सारांश ये है दोस्तों कि अमीर हम बनना तो चाहते हैं, लेकिन अमीर बने रहने के लिए बहुत ऐसी बातें होती हैं जिसकी जानकारी भी हमें रखनी होती है। दोस्तों हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं उसमें मैंने आपको पैसों, अमीरी और इन्वेस्टमेंट से सारी बातें बताई हैं कि हमें अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है। और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट से ही हम अपने पैसों का सही रखरखाव और अपने परिवार का रखरखाव भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।